यूपी लोकसभा चुनाव में गठबंधन में आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें मिली हैं और इन 7 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से बूथ मजबूत किया जाए उसी पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आरएलडी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं और कैसे बूथ मजबूत हो, कैसे बीजेपी से मुकाबला किया जाए, इसी को लेकर यहां मंथन और चिंतन चल रहा है, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। हस्तिनापुर क्षेत्र के जो प्रभारी हैं कुंवर नरेंद्र सिंह जी, उनसे मैं बात कर लेता हूं। वही ये महत्वपूर्ण बैठक लेने आए हैं। 7 सीटें आपको गठबंधन में मिली हैं, किस तरीके से पूरी रणनीति पे काम कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बूथ मजबूत होगा तो चुनाव की जीत आसान हो। जी हाँ, बिल्कुल, बिना बूथ के तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ काफी कुछ काम तो हो चुका है लेकिन अभी और मजबूती की आवश्यकता है। कल बड़ौत में भी मीटिंग हुई है, काफ़ी लोग सक्रिय थे वहाँ पर, एक्टिव हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष बागपत, बड़ौत और आसपास के जितने भी हमारे हैं, मेरठ के जो 2 विधानसभा यहाँ हैं, 3 वहाँ हैं, तो इसलिए इसको गठबंधन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और वोटर लिस्ट में अपने नामों को सक्रिय रहना पड़ेगा, जागरूक मतदाताओं को रहना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हमारा हमारे हक में हो। वो सबसे बड़ी कमी यही होती है कि जब वोट डालने जाते हैं तो लिस्ट की लिस्ट गायब होती है, और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समाज की, तो ये जानबूझ के ये लोग करते हैं उसमें। तो उसके लिए हमको हमारे अध्यक्षों को, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे योगेंद्र चेयरमैन साहब, विधायक जी हैं और भी जो क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ से मौजूदा है वर्तमान, उन सब लोगों को सक्रिय होकर बूथ पर जाना पड़ेगा। और 20 यूथ पर बूथ, ये हमारा है, क्योंकि बिना यूथ के काम नहीं चलेगा। बुजुर्ग लोग तो आदेश दे सकते हैं। एक जमाना था जब एक अगियाने पे बैठ के कोई बड़े बूढ़े कह देते थे कि भाई कल सारे लोग दल कोई वोट या बीकेडी को जाने या बीएलडी को जाने या कांग्रेस को जाने, तो पूरा गांव एक सूत में उतर जाता था। लेकिन अब उसमें परिवर्तन है, अब ये मोबाइल का जमाना है, नौजवान लड़के थोड़े भटक भी जाते हैं, और ये प्रोपोगेंडा पार्टी है, ये प्रोपोगेंडा बहुत भारी कर रही है। जैसे कि अब राम मंदिर देखिए, अनेकों मंदिर बने हैं, सभी की आस्था है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ वृंदावन में तो मुसलमानों ने फूल बरसाए उनकी शोभा यात्रा में, तो कौन ऐसा भारतवासी है जो भगवान राम को नहीं मानता? तो ये राम को औरों से अलग कर रहे हैं कि विपक्ष नहीं आया साहब, सोनिया ने ठुकरा दिया, राहुल ने, अखिलेश ने यूं कह दिया, त्यों कह दिया। अरे भाई जाएंगे, सब जाएंगे, तुम्हारे निमंत्रण पर जाएं और खाना बदोशों की तरह बाहर खड़े रहे। कितने वरिष्ठ मुरारी बापू बैठे थे, ज्ञानानंद जी बैठे थे, दुनिया भर के वरिष्ठ संत बैठे थे। सर, इसी पर मेरा सवाल है, आपको लगता है कि राम नाम पर वोट नहीं पड़ेगी बीजेपी को? नहीं, राम नाम पर तो वोट बीजेपी को क्यों पड़ेगा? राम तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, मुझसे ज्यादा हिंदू कौन है? आज हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सूर्यवंशी बैठे हैं या चंद्रवंशी बैठे हैं। आज अगर बीजेपी को कितना फायदा होगा इसका? बीजेपी चाह रही है फायदा लेना, लेकिन मुद्दा राम का नहीं है, मंदिर का नहीं है, मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, उस पर क्यों नहीं बात करती है सरकार? वो मुद्दा कब खत्म होगा? लोकदल ही नहीं, बड़े मुद्दों को लेकर चले, लोकदल हमेशा लेके चलती है। युवाओं के लिए हमारे युवा नेतृत्व है जयंत जी, वो उसको लेके चल रहे हैं। यहाँ के गन्ने की भुगतान नहीं हो रहा, अभी मैं आज एक परिवार में गया था सुबह नाश्ते पर, वो कह रहे थे साहब पिछले साल का पेमेंट ही नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा सर, अभी आपने जयंत चौधरी जी का जिक्र किया, बागपत से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर चर्चा चल रही है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है? लोगों की मांग जयंत चौधरी, और हम लोग इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अगर जब जबरदस्ती उठा के लाना पड़ा तो गोदी में उठा के उनको लाके यहाँ से पर्चा भरवाएंगे। उनकी मांग है, जनता की मांग है, मेरी मांग नहीं है। मैं तो, मेरे तो नेता है, वो मैं तो कहूंगा ही, लेकिन मथुरा यहाँ के सभी लोगों ने कल बहुत जोरों से कहा, एक आध ने कहा साहब प्रस्ताव यहाँ से भेजना चाहिए, कोई प्रस्ताव नहीं, जयंत ही लड़ेंगे। लेकिन वो राज्यसभा सांसद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, राज्यसभा उनकी जगह कोई और हो जाएगा, उनकी पत्नी लड़ सकती है या वो लड़ सकते हैं। पत्नी शायद अभी अच्छा, मुझे अभी एक पार्टी में मिल गई थी वहाँ दिल्ली में, नेपलीज एम्बेसी में एक कार्यक्रम था मेरी कजन सिस्टर का, उसका बुक लॉन्च की थी उन्होंने, उसमें वो भी आई थी। तो बताई तो वो थोड़ी रिलेक्टेंट है, क्योंकि बच्चों बच्चों की वजह से हो सकता है उनकी पारिवारिक कोई परिस्थिति हो, लेकिन जयंत जी को आना चाहिए राजनीति। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है भाई, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? राष्ट्रीय लोकदल अगर जीवित है तो बागपत, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं छपरौली और बागपत है, हमारे यहाँ गोकुल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको मिनी छपरौली कहा जाता था, मथुरा को मिनी बागपत कहा जाता था। तो अगर आज हम इसी को खो देंगे तो हमारा तो बहुत बड़ा पार्टी का नुकसान ही होगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पार्टी का नुकसान होगा। पूर्व विधायक है वीरपाल लाठी जी, लाठी जी यही मेरा सवाल है, बागपत से कौन आएगा? देख रहे हैं कि पब्लिक कह रही है कि जयंत चौधरी चुनाव लड़े। देखिए, अब कुंवर नरेंद्र सिंह जी ने आप लोगों के सामने खुलासा कर दिया
ये हमारे चुनाव के प्रभारी हैं। हमने कल बड़ौत में बागपत में मीटिंग की थी और वहाँ लोगों की इच्छा थी कि जयंत चौधरी उनके परिवार से ही कोई चुनाव यहाँ लड़े, अन्य कैंडिडेट कोई ना लड़े, लेकिन ये तो उनका फैसला है। जयंत चौधरी लड़ेंगे या किसी को लड़ाएंगे उस पर तो जनता चाहती है कि जनता चाहती है कि नहीं लड़े। और उसके बाद में एक बात कहना चाहूंगा आपको, मुझे अफसोस है, मैं चाहता हूं कि मेरे अफसोस के साथ ये जो जनमानस है इन्हें भी जुड़ जाना चाहिए। इसलिए जुड़ जाना चाहिए कि राम बड़ा या प्रजा बड़ी, जनता बड़ी या मानव बड़ा, प्रधानमंत्री बड़ा, प्रधानमंत्री जी राम को लाए या राम प्रधानमंत्री जी को लाए, ये तो फैसला जो है देश की जनता को करना चाहिए। फिर वो राम ही क्या है जिसे एक व्यक्ति लेकर के आ रहा है? राम तो सबसे बड़े हैं, हम सब राम के पुजारी हैं और राम जी को, राम जी ने हम सबको पैदा किया है, हम सब उनके भक्त हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लेकर के आए, मुझे इस पर अफसोस है। ये बहुत गलत, इस देश में जो दिशा दी जा रही है बहुत गलत दिशा दी जा रही है, इससे हमें बचना चाहिए। देखिए जितने मुद्दे हैं, आप साफ बोलते हैं, मुझे बताएं बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा राम राम? देखिए बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी जो है चोरी छिपे चुनाव लड़ती है, सब संस्थाओं पे इनके कब्जे हैं। अभी वोटर लिस्ट की चर्चा की नरेंद्र सिंह जी ने, वोटर लिस्ट पे बड़ी गड़बड़ है और ये गड़बड़ जो है विपक्ष, जहां तक विपक्ष के लोग हैं, ये हम मानते हैं कि ये शुरू से लेकर के 5 साल तक देश के लिए, गांव के, देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करते, ये चुनाव लड़ते हैं, इनका मकसद ही वोट बैंक है, दूसरा कोई काम ही नहीं। देखे कर्जा कितना है, लोकदल कैसे मुकाबला करे? देखिए लोकदल मुकाबला करेगा, आज हमने अभियान शुरू कर दिए और हम एक सिस्टम देंगे और उस सिस्टम के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, झूठ का मुकाबला करेंगे, पाखंड का मुकाबला हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता हैं, बूथ कैसे मजबूत हो उस पर जो मंथन है वो किया जा रहा है और सीधा कह रहे हैं कि बूथ इतना मजबूत कर लेंगे कि बीजेपी से सीधा मुकाबला करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये बात जरूर निकल कर आई है कि बागपत लोकसभा से जयंत चौधरी या उनके परिवार को चुनाव लड़ाने की जो मांग है अब वो पुरजोर तरीके से उठने लगी है। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव मेरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।